हेलो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर मेरे इस वीडियो में स्वागत है आज मैं आपको सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे कैसे करते हैं यह सिखाऊंगी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रोशे स्टार्ट कैसे करते हैं स्लिप नॉट कैसे डालते हैं तो चलिए आज वहीं से कंटिन्यू करते हैं ये देखिए ये मैंने यान ले लिया है अब इस यान से मैं ये स्लिप नॉट बना रही हूं स्लिप नॉट बन गया अब हमें चेन्स बनाना स्टार्ट करना है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व अगर आपको स्लिप नॉट बनाने में या स्टार्ट करने में कहीं भी डाउट है तो आप मेरा फर्स्ट वीडियो रेफर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा ये देखिए हमने चेंज बना लिए अब हम सिंगल क्रोशे कैसे करते हैं ये देखते हैं सिंगल क्रोशे के लिए ये फर्स्ट लूप जिसमें आपका क्रोशिया है इसे आपको स्किप कर देना है सेकेंड लूप में आपको ये क्रोशे इस तरीके से डालना है ऐसे इस तरीके से फंसा के इसको बाहर निकाल लेना है और ये देखिए आपका सिंगल क्रोशे तैयार है फिर से देखिए इसमें डाला है इस तरीके से किया ये दो लूप्स बन गए हैं दो लूप से हमको अब सिंगल लूप बनाना है फिर देखिए ये डाला ये आया दो लूप दो लूप से सिंगल लूप इस तरीके से हमें सिंगल क्रोशे मिलता है एक बार फिर चेक कीजिए ये देखिए इस लूप में डाला हमने इस तरीके से ये दो है इसको पुल करके निकाल लिया अभी हमारे पास दो लूप्स हैं, दो लूप्स को रिड्यूस करके हमको सिंगल करना है ये देखिए तो इस तरीके से हमारा सिंगल क्रोशे बनता है अब देखिए मैं आपको बताती हूँ हाफ डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं हाफ डबल क्रोशे बनाने के लिए ये देखिए, यान लूप ओवर किया ये देखिए इसमें डाला ये निकाला अभी हमारे पास देखिए थ्री लूप्स हैं अब हमको इन थ्री लूप्स में से एक साथ यान को पुल कर लेना है ये ये देखिए हमारा हाफ डबल क्रोशिया है ये देखिए फिर से देखिए एक बार यान ऐसे लपेटा लपेटने के बाद हमें इस लूप में डालना है फिर हुक को खींच लेना है अभी हमारे पास थ्री लूप्स हैं थ्री लूप्स में से एक साथ हमें यान को पुल कर लेना है ये देखिए ये होता है हमारा हाफ डबल क्रोशे सिंगल क्रोशे और हाफ डबल क्रोशे में यही अंतर है सिंगल क्रोशे के लिए आपको सिंपल बिना बिना यान को लपेटे आपको सीधा इस लूप में डाल देना है पुल करके टू से वन ले लेना है लेकिन हाफ डबल क्रोशे के लिए और डबल क्रोशे दोनों में हमें ऐसे यान को एक बार लपेटना है क्रोशे पे इसके बाद इस हुक में डालना है हुक में डालने के बाद हम ऐसे खींचेंगे और ये देखिए थ्री लूप से हम सीधा वन लूप पे आ जाएंगे पुल करके ये देखिए ये, ये डबल क्रोशे होता है हाफ डबल क्रोशे अब फुल डबल क्रोशे बनाने के लिए देखिए ऐसे यान किया लपेटा इसमें डाला इसके बाद हम जब इसे पुल करेंगे तो हमें एक साथ ये देखिए ये देखिए थ्री लूप्स मिलते हैं हमको थ्री से फर्स्ट हमको टू में लाना है दो लूप में से एक निकालना है इसे और फिर बाकी के बचे हुए दो को मिला के एक लूप बनाना है तो मतलब हमको दो बार क्रोशी करना है ये देखिए फिर से देखिए ऐसे ये आया ये आया थ्री से रिड्यूस करके हमें टू में लाना है और टू से रिड्यूस करके वन में लाना है तो ये होता है डबल क्रोशिया एक बार फिर चेक कर लीजिए ये देखिए सिंगल क्रोशे के लिए जस्ट लूप में डालना है यान को पुल करना है दो से एक ये हुआ सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे के लिए यान ऐसे लपेटना है फिर इसमें डालना है ये देखिए खींच लिया हमारे पास तीन है तीन से पहले हमको ये तीनों के तीनों मिला के इसमें से निकाल लेना है ये देखिए हाफ डबल क्रोशे और फुल डबल क्रोशे में क्या होता है ये देखिए ऐसे आया इसमें लिया ये देखिए थ्री आते हैं थ्री से हमको इसको छोड़ के फर्स्ट टू में से पहले बाहर खींचना है तो टू बचते हैं और टू में से हमको एक बना लेना है ये होता है फुल डबल क्रोशे तो आज ये देखिए एक बार और चेक कर लीजिए ये देखिए डबल सो फ्रेंड्स so इस तरीके से हम सिंगल क्रोशे हाफ डबल क्रोशे और डबल क्रोशे बनाते हैं अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज तक के लिए इतना ही